सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे पोकेमॉन है, हर एक पोकेमॉन को डिजाइन करने का आइडिया एक रियल लाइफ एनिमल से लिया जाता है। ज्यादातर एनिमल सभी एग्जिस्ट करते हैं, बट कुछ ऐसे भी पोकेमॉन है जो कि एक्सटिंक्ट एनिमल पर बेस्ड है, यानी कि ऐसे एनिमल पर जो मर चुके हैं। आज हम ऐसे ही टॉप 10 पोकेमॉन को देखने वाले हैं जो कि एक एक्सटिंक्ट एनिमल पर बेस्ड है। तो हाँ, डेफिनेटली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन के साथ नंबर वन मैमोस्वाइन। मैमोस्वाइन एक आइस और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है जेनरेशन 4 सिनो रीजन से। इसके डिजाइन से क्लियरली पता चलता है कि यह मैमथ पर बेस्ड है जो कि एक एक्सटिंक्ट एनिमल है। इसके बारे में आपको पता होगा, ये काफी ज्यादा पॉपुलर एक्सटिंक्ट एनिमल है। ये एलिफेंट से काफी सिमिलर दिखता है, बस ये साइज में कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करते थे और इनके ऊपर फर हुआ करता था। यह हमारे वर्ल्ड से 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए। मैमथ ठंडी जगह पर रहना काफी ज्यादा पसंद किया करते थे, इसीलिए मैमोस्वाइन के पास भी आइस टाइपिंग है। तो हाँ, मैमोस्वाइन बेस्ड है एक मैमथ पर जो कि एक एक्सटिंक्ट एनिमल है। नंबर 2 डॉल्ड्रियो। डॉल्ड्रियो एक फ्लाइंग और नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। काफी लोग मानते हैं कि डॉल्ड्रियो बेस्ड है एक ऑस्ट्रिच पर नहीं, ये बेस्ड है एक डोडो बर्ड पर। डोडो एक बर्ड है जो कि करीब 4000 साल पहले हमारे रियल वर्ल्ड से खत्म हो गए थे। डोडो एक बर्ड तो है, बट इसके बाद भी वो उड़ नहीं सकती, बल्कि ये भागने में काफी ज्यादा अच्छी थी। इसी तरह से बिल्कुल सेम डॉल्ड्रियो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन तो है, बट वो उड़ नहीं सकता, ये भागने में काफी ज्यादा अच्छा है। पहले के टाइम में काफी ज्यादा डोडो एग्जिस्ट किया करते थे, बट क्योंकि ये उड़ नहीं सकते थे और ये किसी के ऊपर भी आसानी से भरोसा कर लेते थे, इसीलिए इंसानों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते 1662 में डोडो बर्ड खत्म हो गए। तो वहाँ डोल्ड्रियो पोकेमॉन बेस्ड है डोडो पर। नंबर 3 एरोडैक्टाइल। एरोडैक्टाइल एक रॉक और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये एक फॉसिल पोकेमॉन है जिसको ओल्ड एम्बर का यूज करके रिवाइव किया जा सकता है। ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है मेगा एरोडैक्टाइल में। पोकेमॉन वर्ल्ड में एरोडैक्टाइल खत्म हो चुके हैं। वेल, एरोडैक्टाइल बेस्ड है एक टेरोसॉर पर। ये 66 मिलियन साल पहले रियल वर्ल्ड में रहा करते थे। ये रेप्टाइल्स हैं। इनके पास विंग्स भी नहीं थे, पर इनके हाथ के पास एक स्किन होती थी बिल्कुल विंग्स के तरह, जिसका यूज करके ये उड़ सकते थे। इसी तरह से एरोडैक्टाइल भी एक रेप्टाइल दिखता है, उसके पास विंग्स नहीं होते बल्कि उसके हाथ के पास एक स्किन होती है जिसका यूज करके वो उड़ता है। तो हाँ, एरोडैक्टाइल बेस्ड है एक टेरोसॉर पर। नंबर 4 सरपीरियर। सरपीरियर एक ग्रास टाइप का फुली इवॉल्व स्टार्टर पोकेमॉन है यूनोवा रीजन से। वेल, सरपीरियर एक स्नेक पर बेस्ड है जिसका नाम है टाइटनोबोआ। टाइटनोबोआ रियल वर्ल्ड में 60 मिलियन साल पहले रहा करते थे। टाइटनोबोआ अब तक का पाया गया सबसे बड़ा स्नेक है जो कि 47 फीट तक का हो सकता था। इसका वेट 1100 केजी भी हो सकता था। ये काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल हुआ करता था, बट इसके बाद भी ये बड़े जानवरों को मारने के बजाय मछलियों को खाया करता था। तो हाँ यार, सरपीरियर बेस्ड है टाइटनोबोआ पर जो कि अब तक का सबसे बड़ा और पावरफुल स्नेक है। नंबर 5 टायरेंट्रम। टायरेंट्रम एक रॉक और ड्रैगन टाइप का फॉसिल पोकेमॉन है जेन 6 यूनोवा रीजन से। इसको जॉ फॉसिल का यूज करके रिवाइव किया जा सकता है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड से 100 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था, बट इसके टाइम पर कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं था जो कि इसको मार सके, इसलिए ये एक राजा के तरह रहा करता था। वेल, टायरेंट्रम एक डायनासोर पर बेस्ड है जिसका नाम है टायरेनोसॉरस रेक्स या फिर शॉर्ट में टी-रेक्स। ये काफी ज्यादा पॉपुलर डायनासोर है, इसको आपने डेफिनेटली किसी न किसी मूवी के अंदर देखा ही होगा। ये 65 मिलियन साल पहले रियल वर्ल्ड में रहकर दूसरे जानवरों का शिकार किया करता था और बिल्कुल एक राजा की तरह रहा करता था। वेल, आपने टायरेंट्रम के पॉकेटेक्स एंट्री में देखा होगा कि टायरेंट्रम का जॉ या फिर बाइट फोर्स काफी ज्यादा है। इसी तरह से टीरेक्स अब तक का सबसे ज्यादा बाइट फोर्स रखने वाला एनिमल है। साइंस के अकॉर्डिंग इसका बाइट फोर्स 431,000 PSI था, जो कि काफी ज्यादा है। नंबर 6 रायको। रायको एक इलेक्ट्रिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। रायको लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो का हिस्सा है। वेल, ये बेस्ड है एक सेबर टूथ टाइगर पर। ये भी एक काफी ज्यादा पॉपुलर एक्सटिंक्ट एनिमल है जो कि 10,000 साल पहले रियल वर्ल्ड से खत्म हो गए थे। ये कैट स्पीशीज की सबसे बड़ी कैट थी जिसका वजन 400 केजी हुआ करता था। इसकी हाइट लगभग 4 फीट हुआ करती थी और इसके दांत भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ करते थे। तो हाँ, रायको बेस्ड है एक सेबर टूथ टाइगर पर। नंबर 7 रैम्पार्डोस। रैम्पार्डोस एक रॉक टाइप का पोकेमॉन है जेन 4 सिनो रीजन से। ये एक फॉसिल पोकेमॉन है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसको स्कल फॉसिल का यूज करके रिवाइव किया जा सकता है। इसका सर काफी ज्यादा पावरफुल है जिसका यूज करके ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वेल, ये बेस्ड है पैचिसेफेलोसॉरस पर। इसका हेड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। ये 25 मिलियन साल पहले रियल वर्ल्ड में रहा करता था। वेल, रैम्पार्डोस के पॉकेटेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि इसका ब्रेन काफी छोटा है। इसके कम इंटेलिजेंस के चलते ये विलुप्त हो गया था पोकेमॉन वर्ल्ड से। इसी तरह से पैचिसेफेलोसॉरस का दिमाग भी काफी छोटा हुआ करता था। बर्टिस डायनासोर का दिमाग एक 25 सेंटीमीटर की स्पेशल बोन से कवर था, बिल्कुल रैम्पार्डोस की तरह।
नंबर 8 लैप्रेस। लैप्रेस एक वाटर और आइस टाइप की पोकेमोन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये बेस्ड है प्लीसियोसॉर पर जो कि एक डायनासोर है। ये 66 मिलियन साल पहले रियल वर्ल्ड में रहा करता था। प्लीसियोसॉर और लैप्रेस में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। दोनों पानी में रहते हैं। दोनों के पास तैरने के लिए यूनिक पैर है। साथ में दोनों की गर्दन भी काफी ज्यादा लंबी है। वेल प्लीसियोसॉर भी काफी पॉपुलर है। आपने इसको डोरेमोन की मूवी के अंदर देखा ही होगा। नंबर 9 आर्कियोप्स पोकेमोन। आर्कियोप्स एक रॉक और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है जेन 5 यूनोवा रीजन से। आर्कियोप्स एक फॉसिल पोकेमोन है जिसको प्लूम फॉसिल का यूज करके रिवाइव किया जा सकता है। वेल आर्कियोप्स बेस्ड है एक काईहोंग नाम के डायनासोर पर। बाकी डायनासोर के मुकाबले ये साइज में काफी छोटा होता था और ये चाइना के जमीन पर 60 मिलियन साल पहले रहा करता था। ये उड़ने में भी काफी अच्छा था। डिजाइन के मामले में भी आर्कियोप्स और काईहोंग जूजी काफी ज्यादा सिमिलर है। और फाइनली नंबर 10 अरोरस। अरोरस एक रॉक और आइस टाइप की पोकेमोन है जेन 6 कैलोस रीजन से। अरोरस भी एक फॉसिल पोकेमोन है जिसको सेल फॉसिल का यूज करके रिवाइव किया जा सकता है। ये पोकेमोन वर्ल्ड से काफी साल पहले विलुप्त हो गई थी। वेल अरोरस बेस्ड है एक शैनटुंगोसॉरस पर। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। आपने इसको मूवीज के अंदर देखा होगा। ये अब तक का पाया गया सबसे ज्यादा बड़ा जमीन पे रहने वाला एनिमल है जिसकी हाइट 54 फीट से भी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। इसकी गर्दन काफी ज्यादा लंबी थी बिल्कुल अरोरस की तरह, क्योंकि ये शाकाहारी डायनासोर थे और लंबे लंबे पेड़ों के पत्ते खाया करते थे। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।